सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का अंतिम वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 का, और इसमें से हम लोग बात करेंगे विविध प्रश्नावली के बारे में। यदि आप लोग इसके पिछले वाले क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, और प्ले लिस्ट में जाकर डॉक्टर केसी सिन्हा के 9th क्लास का जो सोल्यूशन बुक है उस पर आप लोग क्लिक करके आप लोग पूरी का पूरी वीडियो देख सकते हैं। यदि आप लोग इसके पिछले वाले वीडियो देख लिए होंगे तो आपको आज के वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ हमारे साथ आप बने रहिए और देखिए कैसे किस प्रकार से क्लास 9th के डॉक्टर केसी सिन्हा का सोल्यूशन, वो भी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर कितना टाइप 5 के विविध प्रश्न पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में टाइप फाइव में बोला गया है विविध प्रश्न पे हम लोग को हल करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है कि यदि एक्स और वाई परिमेय संख्याएं हो तो दिखाएं कि निम्नांकित भी क्या होगी, तो परिमेय संख्याएं होगी। इसमें दिखाना है, पहले बोल दिया गया कि एक्स और वाई क्या है, परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है। तो इसमें दिखाना है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी होगा उसका भी परिमेय संख्या होगा, और एक्स माइनस वाई भी जो हो वो भी परिमेय संख्या है, और एक्स बाई वाई भी जो होगा वो भी परिमेय संख्या होगा, और एक्स प्लस वाई जो भी होगा वो भी एक परिमेय संख्या के रूप में होगा, तो यह दिखाना है। चलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, इसको पहले वाले को सॉल्व करते हैं, इसमें मान लेंगे, माना कि सभी के लिए तो यहाँ पर मानना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं इस पर ही कि माना सॉल्व के लिए माना एक्स बराबर पी बाई क्यू ले लेते हैं तथा वाई बराबर क्यू बाई आर लेते सॉरी एक्स बाई वाई ले लेते सॉरी एक्स तो है वाई है तो यहाँ पे ले लेते हैं आर बाई एस ले लेते हैं, कोई भी एक परिमेय संख्या ही लेना है, एक अल्फाबेटिकल नाम ले लेते हैं। तो हम लोग का इतना जो माना हुआ है इसको हम लोग सब में लागू करेंगे, क्योंकि एक्स और वाई सब में दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर ही इसको मान लिया है। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो प्रश्न से क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है पी बाई क्यू है, क्या लिख देंगे पी बाई क्यू का स्क्वायर माइनस आर बाई एस का स्क्वायर कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर आर एस स्क्वायर का एलसीएम पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर एस स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा एस स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद जो हम लोग का ये जो होगा एस स्क्वायर है क्यू स्क्वायर है, और हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का घटाव भी एक परिमेय संख्या होता है, तो इसलिए हम लोग क्या ये एक परिमेय संख्या के रूप में दिख रहा है। तो देखिए हम लोग का जो इसको जो सॉल्व किए तो इतना हम लोग आ गया, लेकिन अब देखिए इसमें अब इसके अगला स्टेप हम लोग कर भी सकते हैं या यहीं पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग का यहाँ पे एक्स एक्स और वाई का वैल्यू पी बाई क्यू के रूप में लिखे हैं, जहाँ पी और क्यू का मान पी क्यू आर एस का मान हम लोग को वैल्यू ज्ञात नहीं है, इसलिए हम लोग को यहीं पर भी छोड़ देना होगा। और हम जानते हैं कि यहाँ पर परिमेय संख्या ये भी है और ये भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या घटा भी एक परिमेय संख्या यानी कि डेसिमल नंबर होता है, और ये भी एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि क्यू भी एक परिमेय संख्या का भाग है और एस भी एक परिमेय संख्या का भाग है, तो ये भी हम लोग का डेसिमल नंबर होगा, इसलिए ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और देखिए इसी प्रकार से हम लोग का दो नंबर दिया है कि एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, एक्स पर क्या है पी है बटे क्यू है, माइनस वाई की जगह क्या है आर बटे एस है, तो यहाँ पे देखिए पी
ये क्यू और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, क्यू एस हो जाएगा। क्यू से क्यू में भाग देंगे तो एक मर्द में कटेगा और बचेगा एस, एस में किस ना करेंगे तो पी एस हो जाएगा माइनस, एस से एस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा क्यू आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। तो ये भी हम लोग का एक परिमेय संख्या सेम इसी तरह से हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार से हम लोग का ये भी दिया है एक्स बाई वाई और वाई बाई एक्स, ये भिन्न के रूप में दिख रहा है तो परिमेय संख्या हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे केवल परिमेय संख्या यहाँ पे जीरो मत नहीं आना चाहिए, ये हम लोग पढ़े हुए थे परिमेय संख्या के बारे में। अब यहाँ पे देखिए एक्स बाई वाई, अब एक्स बाई वाई रखने होंगे तो यहाँ है एक्स बटे वाई है तो एक्स के ऊपर क्या है पी बाई क्यू है। चलिए देखते हैं अब हम लोग एक्स बटे वाई में एक्स का मान क्या दिया है पी बाई क्यू दिया है तो यहाँ रख देंगे पी बाई क्यू और वाई के ऊपर क्या है आर बाई एस है तो यहाँ पर रख देंगे आर बाई एस। तो इसको हम लोग कर सकते हैं पी बाई क्यू और ये भाग में है, जब गुणा में जाएगा तो ये परिमेय हम लोग का उल्टा हो जाता है हर वाले अंश के रूप में और अंश वाले हर के रूप में तो यहाँ जाएगा एस बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पी एस बाई क्यू आर भी एक परिमेय संख्या के रूप में हो गया, ये भी एक परिमेय संख्या के रूप में हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग बोला गया है x प्लस वाई तो सेम यही बात है x प्लस वाई, एक्स का मान क्या है p बाई क्यू है प्लस y का मान क्या है r बाई एस है तो r बाई एस रख देंगे। क्यू एस का एलसीएम क्यू एस ही हो जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा तो s क्यू पी एस हो जाएगा माइनस, s से s कट जाएगा तो r क्यू हो जाएगा। तो ये भी हम लोग का एक परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा, ये भी क्या होगा हम लोग का एक परिमेय संख्या के रूप में होगा। यदि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ रहे हैं तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं कैसे और किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हालांकि इस क्वेश्चन को डॉक्टर के सी सिन्हा के बुक में सॉल्व कर दिया है लेकिन हम लोग को सॉल्व होने या ना होने से कोई मतलब नहीं रखता है, हम लोग अपने तरीके से और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे किस प्रकार से इसमें भी सॉल्व किया जाता है। देखिए क्या बोला गया है कि यदि ए एक परिमेय संख्या हो तो सिद्ध करें कि ए के पावर एन भी एक परिमेय संख्या होगी जहां एन एक से बड़ी प्राकृत संख्या है। हालांकि बुक में भी इसका हिंट्स और सॉल्व दे दिया है जिसमें हम लोग पहले भी जान इंट्रोडक्शन में देखे थे। यहां पे अगर लिख देंगे हॉल में लिखा है चूँकि यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग जानते हैं कि दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल भी एक प्राकृत संख्या होती है दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल भी देखिए यहाँ पे प्रमेय संख्या बोल रहा है एक से बड़ी, यदि एक एक परिमेय संख्या है तो जहाँ एन क्या है एक से बड़ी प्राकृत संख्या, देखिए यहाँ पे दो प्राकृत नहीं परिमेय संख्या लिखते हैं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पे लिखेंगे तो माना ए एक परिमेय संख्या है तब ए में ए से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ए के पावर टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर भी क्या है हम लोग का एक परिमेय संख्या है, क्या है एक परिमेय संख्या होगा। अगर ए स्क्वायर यहाँ पे है ए स्क्वायर में गुना ए से करेंगे तो कितना हो जाएगा ए का पावर क्यू, तो भी हम लोग का क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या होगा क्यों परिमेय होगा क्योंकि ए एक परिमेय संख्या है और ये भी एक और यहाँ माना है कि ए बराबर एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर क्यू गुणे ए
बराबर कितना हो जाएगा, ए के पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का भी एक, ये भी जो होगा वो परिमेय संख्या ही होगा, परिमेय ही होगा। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं ए का पावर 4 गुणे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए का पावर 5 भी एक क्या हो जाएगा हम लोग का, परिमेय होगा, क्या होगा, परिमेय होगा। उसी तरह से अगर ए का पावर कितना लिख सकते हैं, 5 गुणे ए का पावर n या कुछ भी ए लिख सकते हैं, तो ए का पावर 5 बराबर ऐसे ही करते करते हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, परिमेय संख्या, ये भी हो जाएगा हम लोग का परिमेय होगा। अगर इसको हम लिख सकते हैं ए का पावर ऐसे भी इसी तरह से लिख सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ से इसी प्रकार अगर ए गुने ए के पावर 5 का मतलब देखिए यहाँ पे कितना होगा, ए का पावर 5 सॉरी ए का पावर 6 हो जाएगा। तो ए के पावर 6 के लिए कितना करते हैं, तो a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया हम लोग का, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ये तो हम लोग को 6 टर्म में दिया है तो इसको 6 टर्म में लिख लिया है, लेकिन अगर इसी को हम लोग ऐसे कर दें कि ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे डॉट 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 गुणे अगर ए एन तक ले जाए, मान लीजिए कि एन तक ले लिखा चला जाए, तो क्या कहेंगे इसके लिए, ए के पावर कितना बार आया है, तो एन टर्म्स आए हैं, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म, मतलब कि अनंत तक, मतलब कि नंबर एन टर्म तक आया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि ए के पावर एन, यानी कि गिनती की संख्या के बराबर है इसका पद, जहाँ तक हम लोग गिनती कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं गिनती की संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है, अनडिफाइंड होती है, हम लोग की इसको पता ही नहीं कर सकते गिनती की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, तो इसलिए हम लोग को ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे डॉट गुणे ए के पास एन तक गए हैं, कितना हो गया, एन टर्म्स तक गया है, एन पदों तक, या चाहे हम लोग लिख सकते हैं डॉट डॉट कितना तक, एन पदों तक ऐसे ही करते गए हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर एन, तो इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा ए का पावर एन भी एक परिमेय संख्या होगा, भी एक परिमेय संख्या होगा। तो आप लोग अपने नोटबुक में अच्छी तरह से इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग का तो ये जो हम लोग का ये एक्सरसाइज 1.1 वो तो परिपूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है। अब इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे, इसके अगले जो है वो एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड जो भी हम लोग का थ्योरम है उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन देखने के बाद उस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप लोग इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ आएंगे।